सिंह साहब जुड़ते हुए। सिंह साहब स्वागत है सिंधी सिवास पर सर आपका, और क्विकली कुछ डेटा दे दूं आपको। आज से आईपीओ खुला है, शुक्रवार यानी कि 15 तारीख तक ये बाजार में आईपीओ खुला रहेगा। 121 से 128 का प्राइस बैंड डिटेल स्क्रीन पर लेकर आए। रिटेल को 5.5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कुल मिलाकर 1.25 करोड़ शेयर्स कह लीजिए आप बेचने की योजना है। 214 से 225 226 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की कंपनी कोशिश करने वाली है। अब ये एक मिनी रत्ना सरकारी कंपनी है जिसने कामकाज की शुरुआत तो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे करी थी, लेकिन अब बिजनेस कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंह साहब पहले तो मुझे समझाएं, मैं पढ़ रहा था 1964 में शुरुआत हुई एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे और आज बिजनेसेस थोड़े से बदल गए हैं। ई सर्विसेज भी आप करते हैं और कुछ महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर भी कर डाला है, तो ये ओवर द इयर्स ये बिजनेस क्यों इवॉल्व हुआ और ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहां से आ गया सर? देखिए हमारी कंपनी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। yes. और उस समय हम लोग रेगुलेटिंग बॉडी थे फेरस स्क्रैप के, और बाद में हम लोग कैनलाइजिंग एजेंट बने इंपोर्ट ऑफ फेरस स्क्रैप के लिए। और इन दिनों हम लोग अपना स्क्रैप का बिजनेस कर रहे थे और स्टील अथॉरिटी के लिए हम लोग फिजिकल ऑक्शन करते रहते थे और दूसरी कंपनियों के लिए भी। बट 2002 में जब पहली बार MSTC ने ई कॉमर्स को लाया, उसके बाद से इस कंपनी में उत्तरोत्तर बिजनेस का इजाफा होता रहा है। हम लोग 2004 में ई ऑक्शन ऑफ कोल शुरू किया कोल इंडिया के लिए, और अभी हम लोग सिंगरेली कॉलरी कंपनी के लिए कर रहे हैं और झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए भी ई ऑक्शन ऑफ कोल कर रहे हैं। पर 2010 और 12 के बाद ई कॉमर्स में जबरदस्त उछाल आया है। हम लोग फोकस को ज्यादा बढ़ाया है, स्क्रैप तो हम लोग कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए तरफ ध्यान दिया है और बहुत सारे कमोडिटी को ई कॉमर्स के एम्बिट में लाया है। उदाहरण के स्वरूप मैं ये कहूंगा कि MSTC फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, एग्री एंड हॉर्टी प्रोड्यूस में, देन मिनरल्स सेक्टर में, देन आपका NPS में, और इस तरह की सारी चीजें जो बाजार में बेची जा सकती हैं, हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम लोग अपने कस्टमर के लिए करते रहे हैं। अच्छा मुझे फिर अगर हम ये देखें कि अच्छा सर एक बात बताओ, ये आप जब MRDA एक्ट आया है, आप कंटिन्यू करो सर। जी हाँ जी, तो पहले हमारा बिजनेस ट्रेडिंग, जो हमारा दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, ट्रेडिंग बिजनेस ज्यादा हुआ करता था और ई कॉमर्स कम होता था। ये 80% ट्रेडिंग था, 20% ई कॉमर्स था। बट 2002 के बाद या 2004 के बाद अभी तक ये ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अभी हमारा 80% प्लस ई कॉमर्स है और 20% ट्रेडिंग है। और ई कॉमर्स में अभी भी हम कहेंगे कि हम बहुत ही शुरुआती दौर पर हैं, बिकॉज अभी काफी संभावनाएं B2B सेक्टर ई कॉमर्स में है, और हम लोग डाइवर्सिफाई करके जो वेरियस सब डोमेन में आए हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही संभावनाओं को। मैं समझा कुछ जो आप कह रहे हो, आप मैं थोड़ा सा ब्रेकअप करता हूं ताकि मैं थोड़ा बेहतर समझ पाऊं। तो आपने ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करी, ओवर द इयर्स आपने ये ई कॉमर्स सर्विसेज में उतरे, ई प्रोक्यूरमेंट में, ई ऑक्शन में। अभी जो कोल इंडिया कोल का खनन करता है, माइन करता है, जो हम सुनते हैं वो ई ऑक्शन करता है, वो ई ऑक्शन क्या आपकी कंपनी के जरिए करा जाता है, MSTC के जरिए सारा का सारा? जी हाँ, हम लोग ई ऑक्शन ऑफ कोल करते हैं कोल इंडिया के सभी सब्सिडरी के लिए और सिंगरेनी कलरी कंपनी के लिए भी करते हैं, और भी आपको बताया झारखंड JSMDC के लिए भी करते हैं। और कोल ब्लॉक का आवंटन का काम जो मिला था हम लोगों को 2014-15 में, वो भी अभी तक हम करते रहे हैं। और उतना ही नहीं, नॉन कोल सेक्टर में जब से ये MMRDA एक्ट आया 2015 में, उसके बाद से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हम लोग नॉमिनेटेड एजेंसी हैं। इसके तहत हम लोग जितना जो मेजर मिनरल ब्लॉक्स है उसका हम लोग ऑक्शंस करते रहे हैं। तो फिर ये जो सरकार ने पारदर्शिता की शुरुआत करी थी ई इनिशिएटिव्स के जरिए, तो नोडल एजेंसी आप हैं, मतलब जिसके जरिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं।
अब ये कोल इंडिया का लिए ई ऑक्शन करना, तो कोयला कोल इंडिया का आप उसके लिए ऑक्शनिंग में मदद करते हैं, तो इसमें क्या आपको कुछ परसेंटेज शेयर मिलता है? अगर हाँ तो कितना शेयर आप लोग को बनाने को मिलता है सर उसमें? आप बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं जी। पहले ये परसेंटेज बेस, हाँ जी, हम लोग एक जो अपना ई कॉमर्स सर्विसेज देते हैं और उसमें पहले ये परसेंटेज बेसिस पे था, अब ये इवेंट बेसिस पे हो गया है। तो हमारा जो ई कॉमर्स में जो फॉरवर्ड ऑक्शन है, जो हम सेल की बात करते हैं या ई प्रोक्योरमेंट जो खरीदने की बात करते हैं, सबका जो सर्विस चार्ज रेट है वो अलग अलग है। कहीं पे किसी कस्टमर के साथ हमारा परसेंटेज बेसिस पे है, कहीं इवेंट बेसिस पे है, और कहीं जहां पे हमको डेडिकेटेड पोर्टल डेवलप करना होता है तो उसमें हम लोग उसका वन टाइम फी लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग इवेंट बेसिस पे लेते हैं। तो इट डिपेंड करता है हमारे मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे। ये ई कॉमर्स सेवाएं जो है प्योरली सिर्फ सरकारी कंपनीज को कैटर कर रहे हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी एंटर कर पाए? हम लोग एमएसवीसी अभी 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज के लिए काम कर रही है, लेकिन हमारा पिछले कुछ सालों में प्राइवेट कंपनियों पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और अब हमारा अब यहाँ से ज्यादा फोकस प्राइवेट कंपनी पर रहेगा। आज के दिनों में प्राइवेट कंपनी ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं अगर वन टू वन देखें देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, ये ई कॉमर्स सर्विसेज जो है, मैं मिस आउट कर गया, आपने कहा भी था सर, फिर भी मैं मिस आउट कर गया सिंह साहब, ई कॉमर्स से अभी टॉप लाइन का कितना आप लोग के पास आ रहा है? टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में क्या शेयर है ई कॉमर्स सेवाओं का, ये मुझे समझाएं। साहब जी, ये जो ई कॉमर्स हमारा है उसमें वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज की बात करते हैं वो हमारे पिछले 17-18 ईयर्स में तकरीबन 73,000 करोड़ का था। और अगर आप देखेंगे हमारा जो H1 19 का जो रिजल्ट है वो 54,000 करोड़ का रहा है और ये 40% के हिसाब से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से हम कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं, ये परसेंटेज आने वाले दिनों में बढ़ता ही रहेगा। इसमें एक चैलेंज नहीं होगा सिंह साहब? ऑब्वियसली जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मुझे चैलेंज नजर आता है कि जो बड़ी, जैसे आपने कोल इंडिया की बात करी, कोल इंडिया का ई ऑक्शन, ई प्रोक्योरमेंट आप लोग चैनलाइज करके देते हैं, अगर कल को कोल इंडिया ने अपना खुद का इनिशिएटिव ले लिया तो, हालांकि खैर आपका प्रमोटर एक ही है तो ऐसा होगा नहीं, पर हुआ तो? साहब जी देखिए, हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हमारे पास हम लोग स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, हम कस्टमाइज्ड सर्विसेज देते हैं और कोल इंडिया और चाहे कोई भी गवर्नमेंट सरकारी संस्थान है, इन सबों को कस्टमाइज सर्विसेज चाहिए और वो एक्सपर्टीज हमारे पास है। हमारे पास आईटी इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग सब इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अभी देश का जो अभी जो जितना भी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो जैसे उड़ान हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, या दीप हो, या सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, या आयल एंड गैस ब्लॉक्स के उसका करने की बात हो, ये सब हम जितना भी फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तकरीबन 10 से 11 मंत्रालय के साथ उनको हम अपने सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी तक हमने किसी भी कस्टमर को लूज किया है। अटल क्यूरियोसिटी सर, एमएसटीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? कुछ तो होगा साहब, ये पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन के हिसाब से जाना जाता था, लेकिन अब इसका इट हैज बीन रीनेम्ड एज एमएसटीसी लिमिटेड, अब एमएसटीसी लिमिटेड है। और अगर स्क्रैप की बात करेंगे तो अब तो हमारा 10% से भी नीचे है, जैसा कि हमने बताया कि हम धंधा बदल गया। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने स्क्रैप की बात कर दी, आपने ये, मेरे पास समय कम है सिंह साहब, बहुत कुछ करना है, फाइनेंशियल्स पे जाना है आपके साथ, ई कॉमर्स सेवाओं की बात करी क्विकली, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडी के साथ आप लोग रिसाइकलिंग प्लांट डाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये प्लांट अप एंड रनिंग हो गया है क्या, और ये धंधा कितना बड़ा होने वाला है, अंदाजा दें मुझे कितना बड़ा प्लांट होगा ये साहब? ये हाँ, ये जो शेडिंग प्लांट है ये अपने आप में एक अनूठा प्लांट होगा इंडिया में,
और ये शेडिंग प्लांट में जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं या वाइट गुड्स हैं, जैसे पुराने वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स, ये सब इनको श्रेड किया जाएगा। और आज के दिन में अपना देश 7 मिलियन मैट्रिक टन शेडेड स्क्रैप इंपोर्ट कर रहा है, और जो हमारा शेडिंग प्लांट जो गुजरात में सेटअप होगा उसका कैपेसिटी 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम होगा। अभी जो हमारा ग्रेटर नोएडा में जो फैसिलिटी है वो कलेक्शन कम डिसमेंडलिंग सेंटर्स है। ये कलेक्शन कम डिसमेंडलिंग सेंटर्स ये ईएलबी को हम खरीद रहे हैं, इसको डिपोल्यूट कर रहे हैं और जितना भी उसका हैजार्डस आइटम है उसको निकाल के एकदम से सवाल ध्यान में आया, आप जो आपके लिए जो सबसे बड़ा वर्टिकल है सिंह साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स सर्विसेज में ये क्या आप नोडल एजेंसी के तौर पे हैं या फिर कोल इंडिया चाहे तो फिर टेंडर मंगाए कि भाई कौन कितने सस्ते में देगा तो कंपटीशन हो, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए कोल इंडिया के साथ ई ऑक्शन ई प्रोक्योरमेंट करने, ऐसा होगा? साहब कोल इंडिया शुरू से टेंडर करती रही है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉज है और हम लोग शुरू से चाहे तो L1 होते हैं या L2 होते हैं। तो हम लोग अभी 2004 से अभी तक हम लोग ई ऑक्शन ऑफ कोल कर रहे हैं अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉज, उसमें प्राइवेट कंपनी भी है, बट हमारा जो सर्विसेज है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट फेयर और हैसल्स फ्री होता है। हम हमेशा चाहे L1 और L2 होते रहे हैं। सर शेयर बाजार में अब हमें लगाना है पैसा, काम कर रहे हैं, पैसा लगाना है तो हम सब क्या देखते हैं कितना नफा नुकसान होता है कंपनी को, पिछले कुछ साल से तो नुकसान हो रहा है सर, बॉटम लाइन है ना, घाटा ही घाटा है। FY16 में FY18 में इस साल के 6 महीने जो आपने प्रोस्पेक्टस में डाला सब में घाटा है, ये घाटा क्यों और कब फायदा होगा सर? जी हाँ, ये हमारा जो दूसरा बिजनेस वर्टिकल है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में हम मुख्यतः रॉ मटेरियल सेकेंडरी स्टील सेक्टर को देते हैं। आपको याद होगा कि 2008 के बाद ये जो स्टील सेक्टर है इसमें काफी मंदी आ गई थी और जो भी रॉ मटेरियल हमने अपने बायर्स के लिए खरीदा था उसका लिफ्टिंग उतना हुआ नहीं और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हमारा बहुत ही कम दर से उसका रियलाइजेशन हो रहा था। बट पिछले दिनों जब NCLT रेजीम आ गया और अभी सेबी नॉर्म्स को कंप्लाई करना है, ऑडिट पैरा क्वालिफिकेशंस था, उन सबों को ध्यान में रखते हुए ये जो पुराने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो 10 साल से करीब हैं उन सबों को हम प्रोवाइड किए हैं और उसी प्रोविजन के तहत जो अपना जो नया अकाउंटिंग नॉर्म्स है इंडस AS का हमको प्रोवाइड करना पड़ा। ये नुकसान हमारे बैलेंस शीट में उसी के लिए दिख रहा है, अदरवाइज हमारा उत्तरोत्तर हमारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहा है और काफी अच्छा हम लोग लाभ कमा रहे हैं। ये प्रोविजनिंग के कारण ही बैलेंस शीट्स में ये सब कमियां आई हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया, जितना हमको प्रोविजन करना था अब कर दिया है। होपफुली अच्छे दिन जल्द आएंगे, मैं उस पे खैर ज्यादा डिटेल में मांगूंगा नहीं क्योंकि आप अभी इस समय साइलेंट पीरियड पे होंगे, जब लिस्टिंग होगी तो फिर वो अच्छे दिन कब आएंगे सिंह साहब उस पर मैं फोकस करूंगा, लेकिन बेस्ट विशेस आपके आईपीओ के लिए, धन्यवाद आज जुड़ के और अच्छी तरह से धंधा समझाने के लिए हमको। मैं खुद ही आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज रडार पे था जो आईपीओ मार्केट्स में आज से खुला है MSTC, और इस पे बात करने के लिए हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई, और आस्था हिम सिक्योरिटीज का कॉल है, सब्सक्राइब करें, क्यों क्या पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष, बेसिकली सब्सक्राइब करें लेकिन लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने भी अभी आपके यहाँ पे बताया है कि जो प्रोविजन थे जिसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला था वो फुली अकाउंट हो गए हैं और आगे चलते हुए ये कंपनी एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ यहाँ पे टर्न अप करेगी, और इसी वजह से मेरी राय ये रहेगी कि जो रिस्क ले सकते हैं वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगाएं और जिस तरह से आगे चलते हुए यहाँ नतीजे आए उस पर कड़ी नजर रखें। अगर नतीजों में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से मैनेजमेंट दावा कर रहा है अगर जिस तरह से मैनेजमेंट ने यहाँ बात बताई, अगर हम प्रोविजन को निकाले तो करंट लेवल पे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे चीपली प्राइस लगता है, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अगर प्रोविजन को हम हटा दें तो, और उस वजह से मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे अवधि दी है वो लंबे समय की दी है, लेकिन सिर्फ रिस्क टेकर्स जो है उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक बात, तो सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं
और लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिहाज से ही इस आईपीओ में फिर घुसने का मन बनाया है। आज तो धन्यवाद, और चलिए आज के नोवेल कंपनी में इतना ही, ब्रेक ब्रेक के उस पार।